किसी भी रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप होता है तो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाना दोनों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग और मुश्किल होता है बिकॉज दे आर फुल ऑफ इमोशंस। बट डोंट वरी, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके ईजिली मूव ऑन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका साइकोलॉजी विद अजीत में। स्टेप वन, एक्सेप्टेंस, यानी कि ये एक्सेप्ट कर लेना कि जिन पर्सन के साथ आप रह रहे थे या जिन्हें आप अपनी लाइफ पार्टनर मान रहे थे वो अब आपके लाइफ से जा चुका है। हो सकता है कि ये मान पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो, बट ये ज़रूरी है कि आप इस बात को मान लें बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हीलिंग। स्टेप टू, ग्रीव। आपको तकलीफ हो रही है, इट्स ओके। आपको रोना आ रहा है, इट्स ओके। यू आर नॉट फीलिंग वेल, इट्स ऑल्सो ओके। आपके जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, उनको बिना किसी रुकावट के बाहर आने दीजिए, क्योंकि ग्रीविंग एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है इस सिचुएशन में खुद को स्ट्रांग बनाने का, एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग। स्टेप थ्री, कट ऑफ कॉन्टैक्ट। बार बार उस पर्सन के बारे में सोचना, उन्हें याद करना आपकी तकलीफ और बढ़ा सकता है, तो कोशिश ये करिए कि उस पर्सन के सारे कॉन्टैक्ट मिटा दें, इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर्स, फोटोग्राफ्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स एट्सेट्रा। हर उस चीज़ से खुद को दूर कर लीजिए जो आपको उनकी याद दिलाता हो, बिकॉज जितना आप उनकी बारे में सोचेंगे उतनी ही तकलीफ आपकी बढ़ती जाएगी। स्टेप फोर, फोकस ऑन योरसेल्फ। अब ये टाइम है खुद को पहचानने का। उस रिलेशनशिप को किनारे करके आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप कौन हैं और आपका वजूद क्या है। नए नए जगहों पे जाइए, नए नए लोगों से मिलिए, ट्रैवलिंग करिए, किताबें पढ़िए, हर वो चीज़ करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। स्टेप फाइव, फॉरगिव एंड लेट गो। गुस्सा करना और खुद को बदले की भावना में रखना हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो जो हो गया उसे जाने दो, उसे हम बदल नहीं सकते, पर जो अभी हो रहा है उसे हम और बेहतर बना सकते हैं, तो उन्हें भी माफ़ करो और ख़ुद को भी माफ़ कर दो। आई नो ये इजी नहीं है, बट बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली स्टेप सिक्स, मूव ऑन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भुला के एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दीजिए, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। और ये याद रखें कि हर एक पर्सन की अपनी एक अलग काबिलियत और अपनी एक अलग क्षमता होती है। कोई बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता है तो किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। गहरी सांस लीजिए और ख़ुद को थोड़ा समय दीजिए, एक दिन आप अपने आप को आगे पाएंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो इट्स ओके टू आस्क फॉर ए हेल्प। आप अकेले नहीं हैं और आप खुद को जितना समझ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड वन डे यू कैन एंड यू विल गेट थ्रू दिस। नमस्ते।